आमदन से जायद सासे नैब ने मियां मोहम्मद मंशा और इनके दोनों बेटों को 28 फरवरी को तलब कर लिया। मियां मोहम्मद मंशा और इनके बेटों को लंदन में सेंट जेम्स होटल एंड क्लब की खरीदारी के हवाले से तलब किया गया। नैब फंड्स की पाकिस्तान से इंग्लैंड मुंतकली के जराए की तहकीकात कर रहा है। महकमा दाखिला पंजाब के हुक्म पर नवाज शरीफ अस्पताल से जेल मुंतकिल। नैब टीम ने साबिक वजीर आजम को अस्पताल से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया। फैसला मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात के पेश नजर किया गया। नवाज शरीफ भी अस्पताल की बजाय जेल जाने के ख्वाहिशमंद थे। महकमा दाखिला पंजाब साबिक वजीर आजम 11 रोज तक जिना अस्पताल में जेर इलाज रहे। कैदी नंबर 4470 जहां से आए थे वहीं वापस चले गए। सर्विस अस्पताल के बाहर 11 रोज तक जिना अस्पताल रुके। पांचवा नया मेडिकल बोर्ड बना। 8 रोज कबल एंजियोग्राफी तजवीज की। सर्विस अस्पताल में कोई ऑपरेशन हुआ ना जिना अस्पताल में एंजियोग्राफी हुई। जमानत मुस्तरद होने पर नवाज शरीफ वापस कोट लखपत जेल पहुंच गए। साबिक वजीर आजम के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं नवाज शरीफ का इलाज नामुकम्मल है। 1 माह कबल एंजियोग्राफी कर देनी चाहिए थी। और थानों में कम नफरी पूरी करने के लिए पुलिस का बड़ा फैसला। मजीद 1000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। आबादी के लिहाज से लाहौर के 84 थानों में नफरी बढ़ाई जाएगी। जराई का कहना है कि थानों में तैनात पुलिस एहलकारों को लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पर भी नहीं भेजा जाएगा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी एंटी राइड फोर्स को ही तलब किया जाएगा।